मैं हूं आपका मेंटोर निखिल और आप देख रहे हैं करियर की जेई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आईआईटी की कट ऑफ क्या रही थी या लास्ट सीट हमको किस आईआईटी में मिली थी, उसी तरीके से सिमिलर तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो में एनआईटीज के बारे में बात करने वाले हैं कि एनआईटीज में हमको लास्ट जो सीट अलॉटिंग हुई थी वो कितने में हुई थी, और एनआईटीज का जैसे कि आप कट ऑफ देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मतलब पूरा एक पैटर्न है। ये फैक्टर भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है। सर ये फैक्टर लेकिन समझ में नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको बस ये वीडियो कंप्लीट देखना है। इसमें मैंने सारी चीज़ें मिनिमाइज की हुई है और इस पर मैंने एक कम्प्लीट एनालिसिस किया हुआ है कि लास्ट जो अलॉटिंग सीट है वो कितने तक गई हुई है, और इसमें हमने मतलब ब्रांच वाइज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। ब्रांच की हम इसमें बात नहीं करेंगे, और साथ साथ आपको कैटेगरी को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया गया है। यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे होंगे एज एन जनरल कैंडिडेट, सबसे पहले इसमें एक फैक्टर होता है कोटा वाला, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो कोटा का मीन होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा। कोटा का मतलब ये नहीं कि राजस्थान वाला कोटा, क्लियर हो गया। जहाँ से आपने ट्वेल्थ कर रखा होगा वही आपका होम स्टेट कंसिडर किया जाता है, और जो आपका होम स्टेट होगा, मान लीजिए आपने अगर सिक्किम से कर रखा है या आपने मेघालय से ट्वेल्थ कर रखा है, तो जो आपकी कट ऑफ जाएंगी या जो आपको काउंसलिंग जिस पैटर्न पर होगी वो पैटर्न एकदम अलग होगा। तो अगर अभी जैसे आप टेंथ में हो या अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, है ना, तो देन आपको फिर एक कोई ऐसा स्टेट सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती हैं या उनकी एक सेपरेट रिजर्वेशन होती है। मतलब होम स्टेट के टर्म्स में काफ़ी जगह पर सेपरेट रिजर्वेशन भी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, और आपका लक्षद्वीप वालों को भी मिलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको गोवा का भी रिजर्वेशन है, एपी का रिजर्वेशन है, और भी काफ़ी सारे रिजर्वेशन फैक्टर हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ दो को लेकर बात की है एज एन जनरल कैंडिडेट को लेकर। डिटेल एनालिसिस हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम आपको 5 ईयर की डेटा कट ऑफ के एनालिसिस के बिहार पर बात कर रहे होंगे। यहाँ पर जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे वो जोसा की 6th राउंड की कट ऑफ हैं, और अगर आपको CSAB की कट ऑफ जाननी है या देखनी है कितनी गई थी लास्ट ईयर, तो उसके लिए आपको एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर मैं राइट डाउन कर दूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि होम स्टेट में कितनी कट ऑफ गई थी जनरल वाले कैंडिडेट को, अगर हम जनरल वाले कैंडिडेट की बात करें कि जो लास्ट सीट अलॉटिंग रहा था वो किस इंस्टीट्यूट में था और कितने तक मिला था, वो था 981,581 NIT मिजोरम, और NIT सिक्किम पर भी मिला था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी अगर 9 लेख रैंक होगी या उससे कम होगी तो आपको ये NITs मिल जाएंगे। ये उस बच्चे की कट ऑफ रैंक है जो होम स्टेट उसका था और वहाँ को उसने कहीं ना कहीं इसमें लोअर ब्रांच कंसीडर की होगी, और मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट में अलॉटिंग हुई होगी इसकी, इट्स मीन कि जोसा 6th राउंड वगैरह में रही होगी। और इसी तरीके अगर हम बात करें कि सर नॉर्थ ईस्ट हटा के बात करो कि नॉर्थ ईस्ट अगर हम रिमूव कर दें तो हमारी जो होम स्टेट की कट ऑफ रही थी वो 93,000 तक हमको NITs मिली हुई थी। और अब अगर हम बात करें कि अगर हम होम स्टेट कैंडिडेट हैं और उसी के साथ साथ हम फीमेल कैंडिडेट भी हैं, बिकॉज फीमेल कैंडिडेट की एक मैं बोलूँगा एक तरह की वो सब रिजर्वेशन है, एक तरह का जेंडर फैक्टर है जिसमें इक्वलेंसी मेंटेन करने के लिए या आप ये भी कह सकते हो एक तरह की प्रियोरिटी मेंटेन करने के लिए या प्रियोरिटी देने के हिसाब से उन्होंने एक रिजर्वेशन यहाँ पर लाई हुई है। और जब हम लोग 5 ईयर का डेटा एनालिसिस करेंगे तो पहले की जो कट ऑफ 16-17 की या तो उस टाइम पे फीमेल का रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था, तो जो फीमेल कैंडिडेट की जो रिजर्वेशन के हिसाब से NIT मिजोरम में उनको इसी ब्रांच मिला था जिसमें 9,96,637 जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी होम स्टेट फीमेल कैंडिडेट की। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि जब होम स्टेट का कैंडिडेट रहा था तो वो एक तो फीमेल है ना, ये जनरल की ही मैं बात करूँ, एक तो फीमेल और फिर दूसरा उसी स्टेट से, फिर हो सकता उसको कोई ब्रांच डाउन वाली मिली हो या कोई एक सीट वैकेंट रह गई हो, तो ऐसा भी होता है। अब उसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप देखो अभी YouTube में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि भाई 5 लाख रैंक तक हमने NITs का एनालिसिस दिखाया हुआ है या इतने तक मिला हुआ है, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको एग्जैक्ट
मैं आपको एकदम इंफॉर्मेटिव डेटा बता रहा हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज हटानी है तो आपको 95,000 तक मिला हुआ था। तो जो नॉर्थ ईस्ट एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं ना, उसी को आप थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। इट्स मीन ओवरऑल अगर आपको किसी भी होम स्टेट में एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो आप 90-95,000 तक रैंक लेकर चलो, जब वो बहुत ही बेहतर तरीके से काउंसलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो भी लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट तक कितने रैंक तक मिला हुआ था या जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी वो कितने तक थी। जनरल कैंडिडेट के लिए 51,000 तक था और जनरल फीमेल कोटा जो रहा था 59,900 समथिंग तक मिला हुआ था। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज हटा दें तो फिर कितने तक मिला था। तो नॉर्थ ईस्ट अगर हम हटा देंगे तो 43,000 तक हमको यहाँ पर अलॉटमेंट आई हुई थी। आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से आपको कुछ भी कटऑफ्स के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कहां पर एडमिशन लेना चाहिए कहां पर नहीं लेना चाहिए, तो आपको एक फ्री गाइडेंस फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हो। अगर आप कॉलेज प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो आपको करियर किक सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट की कटऑफ्स भी चेक आउट कर सकते हो, पूरे 5 साल की, 19 की भी देख सकते हो, 18 की भी देख सकते हो, 20 की भी देख सकते हो। एक तो कट ऑफ प्रिडिक्शन अलग है और एक कट ऑफ अगर आपको सिर्फ ओवरऑल देखना है तो उसके लिए डेटा एनालिसिस अलग दिया गया है, सेपरेट दिया गया है। तो जाओ जाकर इंस्टॉल करो। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो वहां पर एक लाइव चैटबोर्ड दे रखा है, तो वहां पर आप जाकर डिस्कस भी कर सकते हो हमारे काउंसलर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ना कुछ यार कॉन्टेंट टाइटल रिकमेंड करके जरूर जाना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो। बाय बाय।